अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा बतूल है और मैं आपको PHP एंड MySQL की ट्रेनिंग दे रही हूँ। इस कोर्स को मैंने मुख्तलिफ 13 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है और उम्मीद है ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आइए चलते हैं हम अपने पहले लेक्चर की तरफ, जो कि है इंट्रोडक्शन। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ PHP, हम एक ओवरव्यू लेंगे PHP का, जनरल PHP प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, फिर हम उसकी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के लिए कि क्या क्या चीजें हमें जरूरत होती है, ओवरव्यू ऑफ SQL के एक डेटाबेस का SQL सर्वर है, हम इसका एक जनरल ओवरव्यू लेंगे, व्हाई वी यूज PHP एंड MySQL, हम PHP एंड MySQL को क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा नोट है हमारे पास, अगर आपने HTML और जावा नहीं पढ़ी हुई तो ये आपके लिए बेहतर है कि PHP एंड MySQL पढ़ने से पहले कि आप HTML एंड JavaScript के कोर्सेज को पढ़ लें और इसको अच्छी तरह गो थ्रू कर लें, क्योंकि हमारा PHP का कोर्स इसमें इस्तेमाल हो रहा होता है HTML के अंदर और JavaScript के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हम JavaScript के जरिए हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत बेहतर है कि आप सबसे पहले HTML और JavaScript का कोर्स पढ़ें। आगे आ जाते हैं हम, अगर आपने HTML और JavaScript पढ़ी हुई है तो नेक्स्ट है हमारे पास PHP, हम उसको स्टार्ट करते हैं, ओवरव्यू ऑफ PHP एक सबसे पहले एक सिंपल एक स्क्रिप्ट के तौर पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था, इंट्रोड्यूस कराया गया था और इसका जो नाम था पर्सनल होम पेज था। PHP स्टैंड्स फॉर पर्सनल होम पेज, एक सिंपल सा स्क्रिप्ट था जो छोटे लेवल पे हमारे पास इंट्रोड्यूस कराया गया था। एक स्मॉल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जो फ्रीली आपके लिए अवेलेबल हो, जहाँ से आप इसको इस कोड को या सोर्स को इजीली डाउनलोड कर सकें, आप इसको इंस्टॉल कर सकें और ये फ्री हो बिल्कुल। तो जब ये आया, ये स्मॉल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, लेकिन लोगों ने इसको फिगर आउट किया और देखा कि ये कितना यूजफुल है और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया। एरास्मस लेडोफ हमारे पास, इसने इंट्रोड्यूस कराया था हमारे पास, उन्होंने हमें ये अनलीश कराया था हमारे पास, जो इसके डेवलपर थे, फर्स्ट वर्जन ऑफ PHP इन्होंने 1994 में इंट्रोड्यूस कराया था। PHP जैसे जैसे लोगों के इस्तेमाल में आती थी तो लोगों ने देखा कि उन्होंने इसका नाम PHP को पर्सनल होम पेज से चेंज करके PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, लोगों ने जैसे जैसे देखा कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे पास, और फिर उन्होंने देखा कि इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने इसका जो हमारे पास स्टैंड फॉर था वो उसने चेंज कर दिया। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। अगर आप कोई साइट पे जाते हैं और जाकर आप उसको व्यूज देखते हैं, उसका व्यू सोर्स देखते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको HTML के टैग्स नजर आएंगे, जावास्क्रिप्ट के टैग भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन आपको PHP का कोई भी कोड या टैग नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज नहीं है, ये सर्वर साइड लैंग्वेज है और डायनामिक में वर्क करती है। लेकिन इसका जो कोर्स है हमारे पास, इसका यानी इसका जो कोड है हमारे पास, वो HTML के अंदर एम्बेडेड होता है। HTML के अंदर टैग्स हैं वो यूज करते हैं और PHP के कोड को एम्बेड करते हैं। PHP की जो कोड की एग्जीक्यूशन होती है वो क्लाइंट को डिलीवर या डेटा डिलीवर करने से पहले ही हो चुकी होती है। जब हम क्लाइंट को कोई कोई एक पेज हमारे सामने आ रहा है, हम उस पेज को उसका फाइनल व्यू लेते हैं, उससे पहले ही हम PHP की एग्जीक्यूशन हो चुकी होती है और वो डेटा हमारे पास पेज पे इम्पैक्ट हो चुका होता है और वो हमारे पास उसके पास उसके बाद हमें या क्लाइंट को शो होता है। PHP की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, एक बहुत इसकी बड़ी लाइब्रेरी इस वक्त काम भी कर रही है, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग फंक्शंस हैं, जिसमें अराउंड 800 से ज़्यादा हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं हमारे पास, जो कि प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने डेली रूटीन में, और उसके लिए इनको इन प्रोग्राम्स को यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। नेक्स्ट है हमारे पास PHP जो है वो हमें हमारे पास एक डायनेमिक वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ की जाती है, एक डायनामिक वेबसाइट्स
मतलब हम इसका देखते हैं क्या होता है। जब आप किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी शॉपिंग साइट पे जाते हैं, तो वहां पर जाकर आप देखते हैं कि आपको प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं और उन प्रोडक्ट्स की प्राइस आ रही होती हैं। आप उनको ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पेज पे जाते हैं, वहां पर जाकर इनकी पेमेंट करते हैं और उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो प्रोडक्ट आपको आपके घर में डिलीवर हो जाती है। तो ये जो सारा काम है ये डायनामिकली हो रहा होता है, किस तरह से प्रोडक्ट डायनामिकली डेटाबेस से आ रही होती है, किस तरह वो प्राइस नजर आ रही होती है, वो परचेज करते हैं आप उन्हें, और वो किस तरह से आप उधर जाके सारा डाटा डेटाबेस में सेव होता है, उसके बाद आपके पास वो होम डिलीवरी हो जाती है। अब वो आप प्रोडक्ट आपकी जो है वो आपके पास पहुंच जाती है। आपके पास जो उस वेबसाइट का ओनर होता है वो किस तरह से आपका डाटा किस तरह से व्यू करते हैं, और जो प्रोडक्ट आपने परचेज की होती है वो कैसे आपको नजर आती है, तो ये सारा जो काम है डायनामिकली तरीके से होता है। तो PHP जो है वो डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होती है। PHP जो है वो बहुत सारे डेटाबेसेस को सपोर्ट करती है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ MySQL के साथ ही काम करें, बहुत सारी डेटाबेस ही हैं जिनमें ओरेकल है, SQLite है, पोस्ट SQL है, ये सारी हमारे पास जो डेटाबेसेस हैं जो जो जिसको PHP सपोर्ट करती है, और PHP के साथ हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में हम MySQL और PHP के बारे में पढ़ेंगे। विंडोज़ और लिनक्स जो होते हैं ये हमारे सर्वर्स हैं, और PHP जो है ये हमारे पास इंस्टॉल होते हैं, और हमारे पास हमारा जो लैपटॉप होता है उसमें विंडोज़ इंस्टॉल होती हैं और लिनक्स इंस्टॉल होता है सर्वर्स में। तो जो हमारे पास PHP है इन सारे सर्वर्स को सपोर्ट करती है, और इनमें आसानी से PHP इंस्टॉल हो जाती है और वर्क करती है। एक जर्नल और एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक PHP 14 मिलियन वेब सर्वर्स को सपोर्ट कर सकती है। इस वक्त एक इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट है जो PHP जिसको सपोर्ट करी, और आप देखें कि PHP का कितना फ़ायदा है कि वो कितने वेब सर्वर्स को सपोर्ट करी है एट द टाइम। ओवरव्यू ऑफ PHP में हम आगे देखे हैं कि स्टैटिक रिसोर्सेज। स्टैटिक रिसोर्सेज एक रेगुलर HTML और इसको एम्बेड करते हैं उसके अंदर, और एम्बेड करने के बाद सर्वर से जो डाटा हमारे पास आगे क्लाइंट को शो होता है कि हमने इसका जो डाटा है वो हमने HTML के अंदर हमने इसको शो कराया है, और HTML स्टैटिक डाटा जो होता है उसके अंदर हमने एक टेबल बनाया है, और टेबल के अंदर यूजेस का डाटा हमने शो करना है। तो हम टेबल की हेडिंग देते हैं नेम, CNIC एंड अदर थिंग्स जो भी हमें ज़रूरी होती हैं, जो हमें रेलिवेंट पर्सन की जो हमें ज़रूरी हमें चाहिए होती हैं। तो जब हमारे पास यूजर्स का जो डाटा है वो हमारे पास पड़ा होता है, तो वहाँ से वो क्लाइंट को सर्वर से क्लाइंट को शो हो रहा होता है। ये जो डायनेमिक रिसोर्सेज होते हैं PHP के थ्रू प्रोसेस हो रहे होते हैं हमारे पास, और सर्वर पे प्रोसेस हो रहे होते हैं, और उसके बाद ये क्लाइंट को आउटपुट देते हैं। यानी कि हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक और एक होते हैं डायनामिक। स्टैटिक रिसोर्सेज जो होते हैं, स्टैटिक रिसोर्सेज में हम HTML मतलब HTML को हम स्टैटिक रिसोर्सेज कहते हैं कि वो इस तरह से वो फिक्स्ड HTML होती है, फिक्स व्यू होता है, हम इसको डायनामिकली चेंज नहीं कर सकते। और जो डायनामिक रिसोर्सेज होते हैं वो PHP के थ्रू आ रहे होते हैं सर्वर से, और वो फिर क्लाइंट को शो हो रहे होते हैं, और वह डायनामिकली हमारे पास जो डाटा होता है वो एम्बेड हो रहा होता है। जो हमारे पास हमने मैं आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, जिसमें कैपेबिलिटी है इसके अंदर कि बहुत सारी डेटाबेसेस को कनेक्ट करा सकता है, और बहुत सारी डेटाबेसेस से डाटा हम इसको यहाँ से लाके शो करा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ एक पिक्चर से समझा रही हूँ, डिफरेंट पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी उससे समझाऊंगी कि ये हमारे पास एक वेब सर्वर है और एक यूजर है। वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को, और जो वेब सर्वर है वो HTML रिस्पॉन्स देता है। मैं जाती हूँ और गूगल टाइप किया, और google.com, तो हमारे पास एक गूगल का पेज ओपन हो जाएगा कि मैंने एक रिक्वेस्ट टाइप की कि मेरी रिक्वेस्ट थी कि google.com का पेज जो है वो ओपन करा दें। तो सर्वर ने उसका HTML रिस्पॉन्स हमें शो करा दिया, और
डिफरेंट सर्च बार्स में हमारे पास गूगल लिखा आ जाता है, और जो जो हमने करना होता है वो हमें शो हो जाता है। PHP इंजन रन स्क्रिप्ट, रन स्क्रिप्ट के पीछे जो होते हैं यानी जो इंजन्स होते हैं हमारे पास, जिसमें PHP जिसमें रन हो रही होती है, जो उसको रन कर रहे होते हैं, जो वेब रिक्वेस्ट जो होती है वेब सर्वर को जाती है, तो किस तरह से प्रोसीड करता है, लोड PHP फाइल, वो एक PHP फाइल को लोड करते हैं, और जो PHP रिजल्ट्स होते हैं वो वेब सर्वर को रिटर्न करते हैं। वेब सर्वर्स उस रिजल्ट को HTML रिस्पॉन्स के अंदर इम्बेड हो जाता है, और वो रिजल्ट जो है हमारे पास फाइनल, वो यूजर तक पहुंच जाते हैं। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट सेंक्शन है, ये एक स्टैटिक रिसोर्स है, मतलब रिक्वेस्ट हमारे पास जो HTML रिस्पॉन्स है ये एक स्टैटिक रिक्वेस्ट है, और हमारे पास जो लोड PHP और रिजल्ट फाइल, हमारे पास रिजल्ट है, ये डायनामिकली वर्क कर रहे होते हैं। PHP प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, PHP अपाची एक सर्वर का नाम है, जो HTTP का एक सर्वर है, और जो कि इस वक्त का लीडिंग सर्वर है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे पास। हमारे पास सर्वर का नाम है अपाची HTTP, और इस वक्त वो 67% ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस पे इंस्टॉल हो रहा है, इस पे ये सर्वर रन कर रहा है। मतलब 67 का जो इन्होंने बताया है, वो एक नेट ग्राफ वेब सर्वर सर्वे होता है, उन्होंने ये हमें बताया है कि उन्होंने एक ओवरव्यू दिया है कि हमारे पास 67% जो वर्ल्ड वाइड है वो अपाची सर्वर वर्क कर रहा होता है। तो हमें भी जब PHP का यूज़ करना होगा, तो हम अपाची या किसी इस तरह के किसी सर्वर की ज़रूरत होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और अपाची को जो हम नॉर्मली हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से हम एक सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। PHP जो है वो अपाची सर्वर का एक ऑफिशियल इसका मॉड्यूल है, और ये जो है ये एक ओपन सोर्स सर्वर है, ये आपको आसानी से फ्रीली मिल सकता है, डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको आपकी आपको इसकी कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती। हमें सर्वर को इंस्टॉल करेंगे और ताकि हम एक डायनामिक वेबसाइट्स बना सके, और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है ये मैं आपको पहले ही आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओवरव्यू ऑफ SQL, हम SQL का ओवरव्यू लेंगे कि हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा कि हमने PHP को रन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक सर्वर की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब हमने ओवरव्यू ऑफ SQL को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास माई SQL है, ये बहुत हमारे पास एक फास्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कि हम इसमें डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं और आपस में इसका इंटरैक्शन रिलेशन बना सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री फ्री है, आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो डाटा है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, जो हमारा डाटा है वो डेटाबेस के अंदर सिक्योर होता है। हम डेटाबेस यूज़ ही इसलिए करते हैं कि हम अपना जो जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि हम एक साइट पे जाते हैं, वहाँ से हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिक्योर होती है, क्योंकि हम उसको ऑथराइज्ड यूज़र हैं और लॉगिन कर सकते हैं, अपना डाटा देख सकते हैं, और उसके अगेंस्ट जो सारी प्रोसेसिंग होती है वो कर सकते हैं। तो वो एक ओपन डाटा नहीं होता कि कोई भी आके इस डाटा को असेस कर सके और यूज़ कर सके, और वैसे भी डेटाबेस के जो पासवर्ड्स होते हैं वो यूज़र नेम होते हैं, वो इस माई SQL के में जो हम इंस्टॉलेशन जाएंगे में जाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम इसको किस तरह पासवर्ड और यूज़र नेम को यूज़ करते हुए, पासवर्ड और डेटाबेस को यूज़ करते हुए हम इसको असेस कर सकते हैं, वरना वो हमें माई SQL को असेस नहीं करने देता। माई SQL जो है हमारे पास वो एक मल्टी यूज़र है, कि एक एट अ टाइम बहुत सारे यूज़र इसको असेस कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ऑथराइज्ड वे से हमारे एक्सेस करने के लिए हम ऑथराइज्ड वे से हम इसको एक्सेस करते थे, पासवर्ड चाहिए होता है हमें। हम इसमें बहुत सारे टास्क इकट्ठे परफॉर्म कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे हमने एक पेज को बहुत सारी जगह पर बहुत सारे कंट्रीज में ओपन किया जा रहा है, तो वो मल्टी थ्रेड हो जाएगा हमारे पास, कि हमारे पास जो SQL क्वेरीज हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, रनिंग में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास वो जल्दी रिजल्ट दे रही होती हैं, जो कि एक हमारे पास SQL स्ट्रक्चर लैंग्वेज, ये एक SQL स्ट्रक्चर
क्यूरी लैंग्वेज होती है बेसिकली हमारे पास, जो कि हम क्यूरीज बनाते हैं SQL में। हम क्यूरीज बनाते हैं, मतलब हम एक रिक्वेस्ट पुट करते हैं डेटाबेस में कि हमें ये चीज़ उठा के दे दो, हमें शो करा दो, हमें सेलेक्ट करा दो या उसको इंसर्ट करा दो, या हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट करा दो, हमें डिलीट करा दो, तो हमें बताने के लिए SQL का सिंटैक्स जो है उसको यूज़ करना पड़ता है और उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और इस सेंटेक्स को SQL कहा जाता है। और SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ओवरव्यू है SQL के अंदर। हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारा जो SQL होता है वो हमारा माई SQL जो है हमारा, वो उसका जो सर्वर है वो हमारे पास 1996 से अवेलेबल था, हो चुका था हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट। डेवलप जो था वो 1979 में हुआ था। ये इस वक्त का सबसे फेमस और ओपन सोर्स डेटाबेस सर्वर है। ओपन सोर्स मैंने आपको बता चुकी हूँ, जो चीज़ फ्रीली अवेलेबल होती है आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे अवार्ड्स विन कर चुका है। लिनक्स जर्नल रीडर्स चॉइस अवार्ड, ये एक अवार्ड होता है जो कि ये विन कर चुका है। ओवरव्यू ऑफ SQL में आप देखेंगे कि यूज़र एप्लीकेशन, आपने देखा कि यूज़र एप्लीकेशन वहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स हैं, जो हमारे पास DBMS में उसके सर्वर को असेस कर रहे होते हैं। जो भी हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, मैनेजमेंट सर्वर होता है, वो पीछे जाके DB फाइल्स को असेस करता है और डाटा वापस ला के यूज़र्स को शो कराता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये मल्टी यूज़र सर्वर है, कि मल्टी यूज़र्स को एट अ टाइम ये फैसिलिटी दे रहा है कि वो सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, वो DB का जो डाटा है वो असेस कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जाके वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वाई यूज़ PHP एंड MySQL। हम यहाँ देखेंगे कि बेस्ट परफॉर्मेंस इस वक्त का जो सबसे ज़्यादा जो सर्वर साइड लैंग्वेज है वो हमारे पास PHP है। उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज है, ASP, रोमियो ट्रेल या पाइथन वगैरह ये, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़्यादा यूज़ होने वाली और अच्छी लैंग्वेज है वो PHP है। और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगी कि PHP यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत फास्ट लैंग्वेज है और बहुत वास्ट भी है। आप चाहें तो दूसरी लैंग्वेज पे भी लर्न कर सकती हैं, लेकिन PHP जो है ये मैं आपको ही सजेस्ट करूंगी कि PHP सीखें, और इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ सपोर्ट्स विद मल्टीपल डेटाबेसेस, ये बहुत सारे डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, जिसमें MySQL, इंटरबेस, इन्फॉर्मिक्स, ओरेकल, फाइल प्रो, ETC, ये बहुत सारी डेटाबेस हमारे पास जिसको ये सपोर्ट करता है। और इसमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो कि मतलब ये लर्निंग और के लिए बहुत इजी है, और इसका सेंटेक्स बहुत आसान है हमारे पास। इसमें क्यूरीज होती हैं जिसमें PHP का कोड जो है वो बहुत सिंपल है। तो ये एक बहुत इजी है कि आप कोई भी इंसान ट्यूटोरियल्स पढ़ के सिर्फ इसको सीख सकता है और इसके थ्रू डायनामिक वेबसाइट्स बना सकता है। PHP बहुत कंपैटिबल है बहुत सारे सर्वर के साथ, जिसमें बहुत सारे मोस्ट फेमस अपाची IIS है जिसको और जो हम जिसके साथ वर्क करेंगे वो अपाची है, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉड्यूल है हमारे पास अपाची का। ये एक फ्री और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है, जिसमें हम इसको इजीली हम php.net से जाके इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। php.net इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। हमें MySQL और PHP के अगेंस्ट बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, कि अगर हम किसी भी इशू के अंदर फंस जाएंगे, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम सिंपल PHP को चला लें, तो आपको इसमें इतना ज़्यादा रेलेवेंट डाटा और रेलेवेंट चीज़ें, सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, कि PHP में भी जाके हम बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाके हम देखें तो इसकी सपोर्ट में हमें आंसर्स मिल रहे होते हैं, और हम इसमें क्यूरीज इम्बेड करें तो हमें बहुत सारे आसानी से इसको बहुत सारी क्यूरीज सपोर्ट मिल जाती है। हमें ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होती है इसकी। हम इजीली एक क्रड बना सकते हैं इन डेटाबेसेस को, हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, हम डेटाबेस को रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं।
तो इसका जो पूरा नाम होता है उसको क्रड कहते हैं, तो हम इसीलिए PHP को यूज करते हुए क्रड बना सकते हैं। सपोर्ट विद ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम किस तरह से क्लासेस बना के या इसमें हम ऊप को किस तरह यूज करते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।